हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल्चर शॉर्ट्स में। तो आज विश्वकर्मा जयंती है, सभी को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं। और इसके अलावा आज गाय का त्यौहार भी है, खतर का। तो ये प्राचीन समय से मनाया जाता है और ये त्यौहार जितने भी गाय पालक हैं, जो भी गाय पालते हैं, वो ये त्यौहार मनाते हैं। ये खास करके गायों का त्यौहार है, तो इसमें गायों की दिन भर सेवा की जाती है। सुबह ही गायों को नहला धुला के, जैसे ये देखिए हमारी गंगा, यमुना और लक्ष्मी, तीनों गायों को हमने आज सुबह नहला धुला के बिल्कुल चमका रखा है। और शाम का टाइम है तो कहते हैं कि आज इनको गले से ऊपर तक घास देना चाहिए, पेट भर के। ये देखिए आज तो गंगा, यमुना और लक्ष्मी के मजे आ गए। तो आज सुबह इनको नहला धुला के हमने इनके लिए पूरियां वगैरह बनाई, पूरियां खिलाई और इनको पिठिया लगा के इनकी आरती की। ये देखिए आज तो लक्ष्मी भी खुश है इतना घास देख के, और दिन इसको इतना घास नहीं मिल पाता है, तो आज के दिन इनको अच्छा अच्छा घास दिया जाता है। दोस्तों आज के दिन जो गोबर का ढेर होता है, परसे का जो खाद होता है ना, उसमें बूढ़ी को सजाते हैं। बूढ़ी मीन्स ये देखिए जो ये फूलों से सजाया गया है, घास और फूलों से, इसको बूढ़ी बोला जाता है। तो जितनों के घर में भी गोबर के ढेर होंगे, उसे सुंदर सजाया जाता है, ऊपर से घास डाला जाता है, फिर ऐसे बूढ़ी बनाई जाती है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए गाय के गोड़ से जहाँ गाय बांधी जाती है, वहां से गोबर के ढेर तक ऐसे घास डाला जाता है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, शाम के टाइम चारों तरफ चमचमाहट। इसके बाद शाम के समय गांव के सभी जितने भी गौ पालक हैं, वो ऊपर पहाड़ी में जाते हैं, टॉप में घास फूस लेकर जाते हैं और मशाल लेकर जाते हैं टॉप में। और ये देखिए हमारे इष्ट देवता का कालसी मंदिर है, कैसे चमक रहा है देखिए। जय हो इष्ट देवता की। वो टॉप में देखिए सभी गांव वाले मशाल लेकर गए हैं और घास फूस लेकर गए हैं और ककड़ी काट कर ले गए हैं। सभी नमक लगाकर ककड़ी काट कर ले जाते हैं और टॉप में जाके ककड़ी बांटते हैं, वहां पर घास फूस जलाते हैं और खूब जोर जोर से आवाजें लगाते हैं इधर उधर गांव में कि बूढ़ी का हार ले जाओ। तो दोस्तों ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए सभी वहां पहुंच गए हैं। इसके बाद सभी घर को वापस आते हैं और जो मशाल होती है उसे दोबारा जला कर आते हैं। इसके बाद उसे गाय के गोद में ऐसे घुमाया जाता है, घर के अंदर ऐसे घुमाया जाता है, इससे जो गायों के रोग व्याध होते हैं वो दूर होते हैं। गाय बच्चियों को, जानवरों को कोई बीमारी नहीं होती है। ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। सभी लोग बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी लोग जाते हैं, ककड़ी बांटते हैं एक दूसरे को।
ये देख सकते हैं आप हमारे काशी मंदिर का गेट है। ये देखिए ऊपर को जाते हुए लोग दिख रहे हैं।